मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है अपवाह का। अपवाह के तहत आज हम प्रमुख रूप से अध्ययन करेंगे, प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे कि जो प्राकृतिक झीलें हैं और जो मानव निर्मित झीलें हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आते हैं प्राकृतिक झीलों की, यानी ऐसी झीलें जिनका निर्माण स्वतः ही हुआ है, ऐसी झीलें जिनका निर्माण स्वतः ही प्रकृति के द्वारा हुआ है उन्हें प्राकृतिक झीलें कहा जाता है। और ऐसी झीलें जिनका निर्माण मनुष्य के योगदान से, मनुष्य के सहयोग से हुआ है उन्हें मानव निर्मित झीलें कहा जाता है। इस आधार पर प्रमुखतः झीलों को दो भागों में बांट दिया गया है। पहली कौन सी झीलें? वह झीलें जिनका निर्माण प्रकृति के द्वारा स्वतः ही हुआ है वो प्राकृतिक झीलें, और दूसरी वो झीलें जिनका निर्माण मानव के सहयोग से या मानव ने जो निर्माण किया उसके माध्यम से उन झीलों का निर्माण हुआ है। तो इन दोनों झीलों के बारे में हम चर्चा करेंगे कि प्रमुख रूप से जो प्राकृतिक झीलें हैं वो कौन कौन सी है और वो प्राकृतिक झीलें कौन से स्थान से संबंध रखती है। ठीक उसी प्रकार हम अध्ययन करेंगे आगे कि मानव निर्मित झीलें कौन कौन सी है और ये मानव द्वारा निर्मित झीलें हैं इनका संबंध कौन कौन से राज्यों से है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही आगे हम चर्चा करेंगे कि ऐसे कौन कौन से स्थान हैं जो नदी के किनारे या नदी के तट पर स्थित है, इनके बारे में प्रमुखतः विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आज का जो हमारा अध्ययन बिंदु है वो है प्राकृतिक झीलों के बारे में। बात आती है सबसे पहले कि प्राकृतिक झीलें हैं वो कौन कौन सी है और इन प्राकृतिक झीलों का जो संबंध है वो प्रमुख रूप से कौन कौन से राज्यों से है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात आती है वुल्लर झील की। वुल्लर झील है उसका जो संबंध है वो संबंध बताया गया है जम्मू कश्मीर से। कई बार क्वेश्चन भी आता है अपने ये या मानचित्र में पूछ सकते हैं कि वुल्लर झील है वो कहाँ पे है, तो ध्यान रखना जम्मू कश्मीर में वुल्लर झील है। बात आती है डल झील की। डल झील है इसका संबंध कौन से स्थान से है, कौन से राज्य से ये संबंध रखती है, तो ध्यान रखना डल झील है वो श्रीनगर में है। डल झील कहाँ है? श्रीनगर में है, और श्रीनगर है वो किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। ये क्वेश्चन भी कई बार है वो मैप में या वैसे अपने पार्ट के प्रश्न उत्तर के अंतर्गत पूछा जा सकता है। बात आती है कि नैनीताल जो है उसका संबंध है वो कौन से राज्य से है, तो ध्यान रखना नैनीताल का जो संबंध है वो है उत्तराखंड से। कहाँ से है नैनीताल का संबंध? उत्तराखंड से। ठीक इसी प्रकार हम क्रम में आगे बढ़ते हुए बात आती है कि भीमताल जो झील है वो कौन से राज्य से संबंध रखती है, तो ध्यान रखना इसका संबंध है उत्तराखंड से है। इस प्रकार से ध्यान रखना दो प्रमुख जो प्राकृतिक झीलें हैं जो अपने ध्यान रखना कि उनका संबंध उत्तराखंड से है। नैनीताल और जो भीमताल झील है ये दोनों ही कहाँ है? उत्तराखंड में है, और ये अपने विशेष महत्व रखती है। बात आती है जो लोकताल जो झील है उसका संबंध कौन से राज्य से है, तो ध्यान रखना लोकताल का जो संबंध है वो है मणिपुर राज्य से। कहाँ से संबंध है? मणिपुर राज्य से। बात आते हैं इसी प्रकार आगे कि जो चिल्का झील है उसका संबंध है वो कौन से राज्य से है, तो ध्यान रखना चिल्का झील का जो संबंध है वो है ओडिशा राज्य से। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि चिल्का झील है उसका संबंध कौन से राज्य से है, तो ध्यान रखना ओडिशा राज्य से चिल्का झील का संबंध है वो प्रमुखतः बताया गया है। बात आती है सांबर झील है वो राजस्थान के कौन से जिले से संबंध रखती है, तो ध्यान रखना सांबर झील का संबंध है जयपुर जिले से। किस जिले से? जयपुर जिले से, और जयपुर जिला किस में आता है? हमारे राज्य राजस्थान में। ध्यान रखना जो अपने सांबर झील है ये नमक की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण झील है, और इस जो झील का सांबर झील का जल का जो उपयोग प्रमुखतः किया जाता है वो नमक की दृष्टि से इस जल का उपयोग प्रमुखतः किया जाता है, और विभिन्न महत्वों के कारण सांबर झील है ये प्रसिद्ध रही है। और ध्यान का संबंध कौन से जिले से? जयपुर जिले राजस्थान से संबंध रखता है। बात आती है पुलिकट झील है। पुलिकट झील का जो संबंध है वो बताया गया है तमिलनाडु से। इस प्रकार है अभी जिन झीलों के बारे में हमने बात की वो किस राज्य से संबंधित है, ये प्रमुखतः कौन सी जिले हैं? प्राकृतिक जिले हैं जो अपने प्रमुख रूप से अध्ययन किया। इनके अलावा भी कुछ जिले ऐसी है जो प्राकृतिक झीले हैं, लेकिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण झीलों की बात करें तो प्रमुखता इन झीलों की चर्चा है वो प्रमुख रूप से की जाती है। तो इनमें दो ही बातें आपको ध्यान में रखनी है कि कौन सी झील है, उस झील का संबंध है वो कौन से राज्य से है। अब हम बात करते हैं
अपने प्राकृतिक झीलों की हमने चर्चा की, अब बात करेंगे मानव निर्मित झीलों के बारे में, यानी ऐसी झीलें जिनका निर्माण मनुष्य के सहयोग से हुआ है, जिनको मनुष्य के सहयोग से बनाया गया है, या मनुष्य ने कहीं ना कहीं अपना योगदान झीलों के बनाने में दिया है, ऐसी झीलें मानव निर्मित झीलें कही जाती है। तो इसमें प्रमुख हम चर्चा करेंगे कौन कौन सी झीलें इसमें आती है और उनका संबंध है वो कौन से राज्यों से प्रमुखतः रहता है। तो सबसे पहले बात आती है मानव निर्मित झीलों की। गोविंद सागर है, उसका प्रमुख जो संबंध है वो आता है हिमाचल प्रदेश से। कई बार क्वेश्चन पूछते भी है कि गोविंद सागर है इसका संबंध कौन से राज्य से है, तो ध्यान रखना हिमाचल प्रदेश से इसका संबंध है, वो स्पष्टतः जुड़ा हुआ है। बात आती है इसी क्रम में आगे कि जो राणा प्रताप सागर है उसका संबंध है वो कौन से राज्य से है, तो ध्यान रखना राणा प्रताप सागर का जो संबंध है वो हिमाचल प्रदेश से आता है। इस प्रकार हिमाचल प्रदेश में गोविंद सागर और राणा प्रताप सागर है, इन दोनों का महत्व स्पष्ट रूप से मानव प्राकृतिक झीलों के रूप में प्रमुखतः देखा जाता है और समझा जाता है और इनका विशेष महत्व भी है। बात आती है निजाम सागर की। निजाम सागर है इसका जो संबंध है प्रमुखतः वो बताया गया है तेलंगाना से। कहां से बताया गया निजाम सागर का संबंध, तेलंगाना से इसका संबंध बताया गया है। इसी क्रम में बात आती है हीराकुंड की। हीराकुंड जो है उसका जो संबंध है वो ओडिशा से प्रमुखतः बताया गया है। इस प्रकार हमने चर्चा की मानव निर्मित प्राकृतिक झीलों की और इसके साथ हमने चर्चा की कि जो मानव निर्मित है और प्राकृतिक झीलें हैं ये दोनों ही अपने अपने स्थानों पर विशेष महत्व रखती है और ये जो झीलें हैं ये विभिन्न प्रकार की कार्यक्रमों के माध्यम से, विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से व्यक्ति के जीवन से संबंधित है और किसी देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में इन झीलों का भी प्रमुख योगदान रहता है। अब बात आती है कि ये जो नदियां हैं, हमने अभी तक बात की कि प्रमुख रूप से किस प्रकार से व्यक्ति के जीवन से संबंधित है, किस प्रकार से व्यक्ति के जीवन में आजीविका का प्रमुख साधन है, किस प्रकार से देश के आर्थिक विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात आती है नदियों का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, यानी देश की जो अर्थव्यवस्था है, जो आर्थिक स्थिति है, धन के आधार पर जो स्थिति है उस पर प्रमुखता प्रभाव है वो नदियों का भी पड़ता है। अब किस प्रकार से नदियों का प्रभाव है किसी देश के आर्थिक व्यवस्था पे या अर्थव्यवस्था पे पड़ता है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात आती है मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व है। हम बात करें तो मानव इतिहास की हम चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं, हम सुनते हैं, समझते हैं कि नदियों का प्रभाव है वो व्यक्ति के जीवन पर स्पष्टतः पड़ा है, क्योंकि व्यक्ति प्रारंभ में क्या है कि नदियों जो है उनके किनारे पर रहना प्रमुखता पसंद करते थे, ऐसे स्थानों पर रहना पसंद करते थे ताकि विभिन्न प्रकार के कार्यों में क्या है उनको सहयोग मिल सके और उनकी आजीविका है, उनको जीवन स्तर जो व्यापन करने का माध्यम है वो उनको प्रमुख रूप से प्राप्त हो सके। आगे बात आती है नदियाँ का जो जल है वो मूल प्राकृतिक संसाधन है। प्रमुख रूप से हम बात करें तो जल है वो मनुष्य जल का निर्माण नहीं कर सकता, मनुष्य के द्वारा जल का निर्माण नहीं किया जा सकता। जल क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है जो प्रकृति की देन है हमें एक अमूल्य उपहार के रूप में, और ये उपहार है ये व्यक्ति के जीवन को विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग प्रदान करता है, उसके जीवन को प्रभावित करता है। तो ध्यान रखना हम बात करें कि मानव इतिहास में लोग ऐसे स्थानों पर रहना पसंद करते थे जहाँ पानी की पूर्ण रूप से उपलब्धता हो और ये पानी है उनके जीवन का प्रमुख आधार था, चाहे वो कार्य के रूप में हो, चाहे व्यवसाय के रूप में हो, चाहे वो आजीविका के रूप में हो या विभिन्न प्रकार की आवश्यकता के रूप में हो, इनका पूर्ण रूप से महत्व रहा है। बात आती है नदियों के तट ने आदिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया। नदियों के तट, तट का मतलब होता है किनारा, नदियों के जो तट है यानी किनारे हैं उनको लोगों ने आकर्षित किया, अपनी ओर खिंचाव किया, अपनी ओर उनको जुड़ाव लगाव महसूस हुआ कि ये जो नदियां हैं उनके जो किनारे हैं यहाँ प्रमुख रूप से जो पानी उपलब्ध है इस पानी का उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जा सकता है और विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति इसके माध्यम से की जा सकती है। अगर ये जो व्यक्ति है ये आदिवासी है, ये मान लो नदी से बहुत अधिक दूर स्थान पर रहते हैं तो पानी है वो जीवन का प्रमुख आधार है और विभिन्न कार्यों में पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो उन्हें क्या है कि पानी लाने के लिए नदी के तट पर आना पड़ता था। इस कारण क्या है, उन्होंने ऐसी व्यवस्था, ऐसी सुविधा चुनी कि उनको दूर स्थान पर न रह के इन नदियों के पास ही रहे ताकि उनको जो आने जाने में समय है वो नहीं लगे और विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं हैं वो बहुत ही शीघ्र और बहुत ही जल्द है उनकी आवश्यकताएं पूर्ण हो जाए।
बात आती है, अब ये गांव बड़े शहरों में परिवर्तित हो गए। जो नदियों के हम तट की बात कर रहे हैं, किनारों की बात कर रहे हैं, जहां पहले गांव है या आदिवासी लोग है प्रमुखता निवास करना पसंद करते थे, वो अब गांव है वो बड़े बड़े शहरों में, नगरों में, महानगरों में परिवर्तित हो गए हैं। क्योंकि अर्थव्यवस्था का जो प्रमुख आधार है वो प्रमुख रूप से क्या है, जल संसाधनों से भी जुड़ा हुआ है। इस कारण जो पहले तट के पास में जो गांव थे वो अब गांव किस रूप में परिवर्तित हो गए, बड़े बड़े शहरों के रूप में, बड़े बड़े महानगरों के रूप में इन गांवों के स्वरूप को परिवर्तित रूप में देखा जा सकता है। बात आती है कि राज्य के उन शहरों के नाम जो नदी किनारे स्थित है, हम बात करें तो बहुत सारे जो महत्वपूर्ण शहर है, बड़े शहर है, महानगर है, उनका जो स्थान है प्रमुख रूप से नदी के तट या किनारे के स्थान पे, ये प्रमुख जो शहर है, प्रमुख जो स्थान है, प्रमुख रूप से बसे हुए हैं। उन स्थानों के नाम कौन कौन से हैं और उन स्थानों का जो है संबंध वो प्रमुखतः कौन से राज्य से है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि शहर कौन सा है, नदी कौन सी है इसमें, और राज्य शहर कौन सा है और कौन से नदी से इसका संबंध है और कौन से प्रमुख रूप से राज्य से ये जुड़ा हुआ है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि जो अयोध्या है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो ध्यान रखना, जो सरयू नदी है, जो सरयू नदी के किनारे क्या है कि अयोध्या है वो बसी हुई है। अब बात आती है कि अयोध्या का संबंध है वो कौन से राज्य से है। ध्यान रखना, अयोध्या का जो संबंध है वो उत्तर प्रदेश से है। तो यहाँ ध्यान रखना कि जो अयोध्या है वो कौन से नदी किनारे है, सरयू नदी किनारे है, और ये कौन से राज्य से संबंधित है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इसी क्रम में बात आती है आगे कि बद्रीनाथ है वो कौन सी नदी के किनारे प्रमुख रूप से बसा हुआ है। तो गंगा नदी के किनारे है वो बद्रीनाथ नामक शहर है, स्थान है, वो प्रमुख रूप से बसा हुआ है। अब बात आती है इसका संबंध है वो कौन से राज्य से है। तो ध्यान रखना, इसका जो संबंध है वो आता है उत्तराखंड से। इसका संबंध किस राज्य से है, उत्तराखंड से इसका संबंध बताया गया है। बात आती है कोलकाता की। कोलकाता जो शहर है वो कौन सी नदी के किनारे प्रमुखतः बसा हुआ है। तो ध्यान रखना, जो कोलकाता शहर है वो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। अब बात आती है कि जो हुगली नदी है उसका जो संबंध है वो प्रमुखतः कौन से राज्य से है। तो पश्चिम बंगाल से है वो प्रमुखतः हुगली नदी का संबंध है। और हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, कौन सा महानगर बसा हुआ है, तो जो कोलकाता है वो प्रमुख रूप से यहाँ बसा हुआ है। बात आती है कटक की। कटक है वो महानदी किनारे बसा हुआ है। कटक कहाँ बसा हुआ है, महानदी के किनारे पे कटक है वो बसा हुआ है। और कटक का जो संबंध है वो कौन से राज्य से है, ओडिशा राज्य से इसका संबंध है। तो यहाँ आपको तीन चीजें ध्यान रखनी है कि कौन सी नदी पे, नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है या कौन सा महानगर बसा हुआ है, और उसका संबंध है वो कौन से राज्य से है। इसी क्रम में आगे हम बात करते हैं कि जो सूरत है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। ताप्ती नदी के किनारे सूरत है, उसका बसावट है प्रमुख रूप से है, विस्तार उसका प्रमुख रूप से वहाँ है। और बात आती है कि जो ये ताप्ती नदी है इसका संबंध है वो कौन से राज्य से है। तो ध्यान रखना, ताप्ती नदी का जो संबंध है वो गुजरात राज्य से है। इसी क्रम में बात आती है कि जो मथुरा है वो कौन से नदी किनारे बसा हुआ है। तो ध्यान रखना, मथुरा है वो यमुना नदी के किनारे। ध्यान रखना, कौन सी नदी के किनारे, मथुरा है वो यमुना नदी किनारे बसा हुआ है। इसका संबंध कौन से राज्य से है, उत्तर प्रदेश से है। कौन से राज्य संबंध है इसका, उत्तर प्रदेश से। इसी क्रम में बात करते हैं भद्रावती की। भद्रावती जो शहर है वो प्रमुखतः कौन से नदी किनारे बसा हुआ है, भद्रा नामक नदी के। कौन सी नदी के, भद्रा नामक नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, भद्रावती। और भद्रावती जो शहर है इसका संबंध कौन से राज्य से है, तो ध्यान रखना कर्नाटक राज्य से इसका प्रमुखतः संबंध बताया गया है। इसी क्रम में बात आती है आगे चेन्नई की। चेन्नई है वो कौन से नदी है उसके किनारे बसी हुई है। तो चेन्नई का जो विस्तार है वो आधार नदी किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी किनारे, आधार नदी किनारे क्या है, चेन्नई बसा हुआ है। और चेन्नई का जो संबंध है वो कौन से राज्य से है, तो ध्यान रखना तमिलनाडु राज्य से चेन्नई का संबंध है। इसी क्रम में आगे बात आती है एक और शहर की, वो है राउरकेला। राउरकेला है उसका जो संबंध है वो है ब्रह्मणी नदी से। कौन सी नदी से, ब्रह्मणी जो नदी है इससे राउरकेला का संबंध है। इसके किनारे क्या है कि जो राउरकेला शहर है वो बसा हुआ है। अब बात आती है राउरकेला है, स्थान है, शहर है, ये प्रमुख रूप से किस राज्य से संबंधित है, किस राज्य से जुड़ा हुआ है। तो ध्यान रखना, जो ओडिशा राज्य है उससे राउरकेला का प्रमुखतः संबंध है। इस प्रकार हमने आज चर्चा की अपने
इस चैप्टर के अंतर्गत है, इस वीडियो के अंतर्गत है कि जो मानव निर्मित कौन कौन सी और प्राकृतिक झीलें हैं वो कौन कौन सी हैं, और इसके साथ साथ हमने चर्चा की कि ऐसे कौन से नगर है जो नदी के किनारे बसे हुए हैं, और वो नदी है वो कौन से राज्य से संबंध रखती है, वो शहर है वो किससे प्रमुखतः जुड़े हुए हैं।